अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ये है कि आप कैनवा में पोस्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। पोस्टर किसी भी किस तरह का हो सकता है। मैं आपको रियल इस्टेट एजेंसी का एक पोस्टर बनाना बताऊँगा, उसके बाद आप कोई भी पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं कि कैनवा में रियल इस्टेट का डिज़ाइन कैसे बनता है। ये एक पोस्टर है, ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ है। इसमें एक इधर पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस तरफ भी पिक्चर है, एक यहाँ पे पिक्चर है, एक इधर पिक्चर है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टेक्स्ट डिस्कवर योर ड्रीम हाउस और इस जगह पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब ये सारा कैसे डिज़ाइन होगा और यहाँ पे उसने बुक नाउ लिखा हुआ है, ये कैसे सारा डिज़ाइन होगा ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। गो अहेड एंड लर्न हाउ टू डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप। जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती उनके लिए आइए आगे बढ़ें और कदम ब कदम डिज़ाइन करने का तरीका सीखें। सबसे पहले क्या कहता है कि स्टेप वन है जी, क्रिएट अ डिज़ाइन विद द साइज ऑफ 1080 बाय 1080। आपने कैनवा ओपन करना है और क्लिक करना है क्रिएट अ डिज़ाइन। और जब आप क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कौन सा आप बनाना है। अगर तो आपको 1080 वाला साइज मिले दो साइड पे तो वो वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ना मिले तो कस्टम पे क्लिक करके 1080 बाय 1080 लिख दीजिएगा। कहता 1080 बाय 1080 के साइज के साथ एक डिज़ाइन बनाएं। ये उसका बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ये जो लगा हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एक उसके अंदर कहता है रेक्टेंगल ऐड करें। स्टेप टू, ऐड अ रेक्टेंगल एज शोन। ये रेक्टेंगल है जैसा कहता दिखाई दिया, ऐसा रेक्टेंगल उसमें लगाएं। उर्दू में जैसा कि ये दिखाया गया है एक मुस्ततील शामिल करें। उसके बाद स्टेप थ्री है ऐड फ्रेम्स एज शोन। ये फ्रेम लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाला जो है बड़ा सा, ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दी थी पोस्टर के ऊपर वो ये लगी हुई हैं, ठीक है। एक दो तीन ये फ्रेम लगे हुए हैं, चौथा ये फ्रेम लगा हुआ है। तो जैसा कि दिखाया गया है फ्रेम शामिल करें। नंबर चार है ऐड अ सर्कल, ये ऊपर सर्कल ऐड करने का बताया गया है। उसके बाद है जी स्टेप फाइव है ऐड रियल इस्टेट इमेजेस, कि आपने रियल इस्टेट के इमेजेस ऐड करने हैं। अगर तो वो क्लाइंट ने आपको दिए हैं तो उसके आप अपलोड से ऐड कर लेंगे फ्रेम्स के अंदर, वो आपको बताएगा कि मेन बड़ा इमेज ये है, छोटे इमेज ये हैं। अगर उसने आपको नहीं दिए तो आप गूगल से सर्च आउट करके भी पिक्चर्स इमेजेस रियल इस्टेट से रिलेटेड तो लगा सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना आता तो आप कैनवा में एलिमेंट्स में जाके सर्च पर क्लिक करके तो वहाँ पे लिख के रियल इस्टेट इमेजेस पिक्चर्स सर्च आउट करेंगे तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये सेशन इस वक्त लाइव चल रहा है फेसबुक के ऊपर, अगर आप में से कोई देखना चाहे तो वहाँ पे भी देख सकता है। अगर किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आ रहा है तो वो वहाँ पे जाके लाइव फेसबुक के ऊपर भी चल रहा है, वहाँ पे भी दे सकता है। स्टेप नंबर सिक्स है जी ऐड टेक्स्ट एंड लोगो, के पांचवें स्टेप के बाद तस्वीर लगाने के बाद ऐड करने के बाद आप इसके अंदर अपना लोगो और अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। और ये सब करने के बाद फाइनल डिज़ाइन ऐसा बनेगा जिसमें यहाँ पे फ्रेम्स आएंगे, ये भी फ्रेम है, इसमें पिक्चर्स आ जाएंगी सब में, ये इसका बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है, सर्कल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है जो वहाँ पे लिखा हुआ था आपको दिखाई दिया। और ये बुक नाउ जो है ये होलो टेक्स्ट के साथ लगा हुआ है यहाँ पे, इसको रोटेट करके इधर रखा गया, लगाया गया। तो उम्मीद है कि आप मुझसे अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।
मैंने जस्ट आपको एक हिंट दिया है कि कैसे पोस्टर डिजाइन होता है। अब ये जो पोस्टर है, इसी पोस्टर को जब अगर ये डिजाइन हो गया, फाइनलाइज हो जाता है, तो इसका आप जस्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि पोस्टर का रीसाइज कैसे होता है। स्टार्ट में मैंने ये बात आपको बताई थी कि हाउ वी कैन रीसाइज द पोस्टर और हाउ वी कैन रीसाइज ओवर टेम्पलेट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर किसी को नहीं आई तो वो पूछ सकता है कैनवा के अंदर पोस्टर कैसे डिजाइन होता है। इस पोस्टर डिजाइन करने को समझने के बाद आप इसकी मुतलका वीडियोस और भी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, वहां पे आपको और पोस्टर्स डिजाइन हुए वीडियोस मिलेंगी। हम यहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड पोस्टर को डिजाइन करना सीखेंगे, कैसे डिजाइन किया जाता है। ये लेट्स लर्न टू डिजाइन रियल एस्टेट डिजाइन इन कैनवा। उसके बाद है जी, ये एक पोस्टर है, एक डमी पोस्टर है, एक एग्जांपल है जिसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, कुछ डिस्काउंट ऑफर है और कस्टमर को कहा जाता है बुक नाउ, डिस्कवर योर ड्रीम हाउस। वो कहता है कि अपना ख्वाबों का घर तलाश कीजिए, और लास्ट पे जो है इसका इंफॉर्मेशन आएगा कॉन्टैक्ट नाउ का। अब ये डिजाइन कैसे होगा वो देखते हैं। कहते लेट्स गो अहेड एंड लर्न हाउ टू डिजाइन स्टेप बाय स्टेप। कहते आगे बढ़े और कदम ब कदम डिजाइन करने का तरीका सीखें। नंबर वन, ये जो आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है ऑरेंज शेड, ये इसका बैकग्राउंड है। क्रिएट अ डिजाइन विद द साइज ऑफ 1080x1080। कि आप जब कैनवा ओपन करेंगे, उसके बाद आप क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा डिजाइन आपने बनाना है। अगर तो आपको 1080x1080 वहां पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कस्टम पे क्लिक करके खुद से 1080x1080 लिख के ओके करें तो वो एक बॉक्स आपको दे देगा वाइट एरिया में। उस वाइट एरिया में आपने एक तो ये बैकग्राउंड लगाना है। अब बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, ये जो लगा हुआ है अगर आपको ये मिल जाए तो ये भी हो सकता है, लेकिन आप खुद से डिजाइन कीजिएगा। मैं आपको एक जो है ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टेप टू पे कहता है एड अ रेक्टेंगल एज शोन, कि जैसा कि दिखाया गया है एक मुस्ततील शामिल करें। अब ये दोनों चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये दोनों चीजें आपको रेक्टेंगल और ये बैकग्राउंड आपको मिलेगा जाके एलिमेंट्स में कैनवा में। नेक्स्ट है कि जो आप डिजाइन बना रहे हैं उसमें आप स्टेप थ्री में कहता है एड फ्रेम्स एज शोन, जैसा कहता दिखाए गए आपको फ्रेम्स, इस तरह फ्रेम लगाएं। एक फ्रेम लेफ्ट हैंड साइड पे लंबा बड़े वाला है, तीन फ्रेम छोटे हैं। स्टेप फोर पे कहते हैं ऐड अ सर्कल, के दायरा इसके अंदर शामिल करें। नेक्स्ट है स्टेप फाइव है ऐड रियल इस्टेट इमेजेस, के रियल इस्टेट इमेजेस आप इन फ्रेम्स के अंदर ऐड करें जो आपको अच्छे लगते हों या जो क्लाइंट ने आपको दिए हों। अब ये इमेजेस एक तो आपको कस्टमर अगर आया तो कस्टमर देगा, चाहे वो रियल एस्टेट से इमेजेस हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी इमेजेस हैं। और अगर आपको नहीं मिले या नहीं है या क्लाइंट कहता है आप खुद सर्च कर लो, तो आप गूगल से जाके सर्च आउट कर सकते हैं, लिख के टेक्स्ट को गूगल करना सीखें। गूगल से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप गूगल करना जानते हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत सारी नॉलेज वहाँ से गेन होगा। उसके बाद नंबर थर्ड है, आप कैनवा में एलिमेंट्स में जाके सर्च में जाके लिखेंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको देगा। स्टेप सिक्स है ऐड टेक्स्ट एंड लोगो, के इसके अंदर
आपने टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, और जहाँ पे ये ब्लू बॉक्स लगा हुआ है रेक्टेंगल शेप, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है आपने। रियल एस्टेट की तस्वीर शामिल करें, मतन और लोगो शामिल करें। नेक्स्ट है जी, जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे तो आपका डिज़ाइन इस तरह का तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। अलावा और भी डिज़ाइन बड़े हुए, डांस से रिलेटेड पोस्टर बना पड़ा हुआ, और भी एक दो टोन पोस्टर जो है ना यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। ये देखिए, मैं क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ। अभी तो उसकी हाँ, तो फिर आप तो उस तरह मना ना करें कि आगा दौड़ पीछा छोड़, वो आप वन बाई वन उसे लगा के चेक करें, कोई समझ ना आए फिर पूछ लीजिएगा। अब ये देखें, अगर आप क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो सबसे टॉप पे आता कस्टम साइज। अब मुझे 1080x1080 चाहिए, तो इसमें 1080 अगर तो कोई पड़ा है तो गुड, नहीं पड़ा तो ये पड़ा इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर साइज 1080x1080। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक इमेज है इसको सिलेक्ट करता हूँ, और एडिट इमेज में जाके शेडो पे क्लिक करता हूँ। ग्लो हमने कल पढ़ा था, उसके अलावा यहाँ पे पड़ा हुआ ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो में क्या होगा ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इस पर्पल के नीचे ग्रे कलर का दिखा रहा है कि इस तरह का शेडो ड्रॉप आएगा। मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर की राइट हैंड साइड पे शेडो ड्रॉप हो रहा है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो। ये देखें, इस साइड पे क्लियर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैक कलर का आ रहा है, मैं इसको कलर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जाके मैं ये रेड कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इसकी मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ब्लर इसका मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ऑफसेट इसका मैं 2x3x4 कर देता हूँ, ये ले मैं इसको 1 पे कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद से डिस्कवर करके देखनी है। फिर ये पड़ा हुआ एंगल है, कर्व्ड है पिक्चर को, अगर कर्व शेडो लगाना है तो कर्व शेडो लग जाएगा, ये एंगल में शेडो लगाना है तो ये एंगल में लगेगा। अब ये एंगल में चला गया, कर्व पे करेंगे कर्व में हो जाएगा। ये देखें जिस तरह यहाँ पे दिखाई देता है वैसा ही शेडो वहाँ पे अप्लाई होगा। पेज लिफ्ट का शेडो है, ये पेज लिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो एनहेंसर पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करें तस्वीर को एनहेंस कर देगा। मैं यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें तस्वीर को एनहेंस करेगा, क्लियर करेगा। ये लें तस्वीर पहले से ज़्यादा क्लियर है। ये आप खुद से अपने सिस्टम पे बैठ के करें वन बाय वन, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ज़रूरी नहीं है 1080x1080 हो, अब डिपेंड करता पोस्टर के ऊपर कैसा है, ठीक है ना। बाज होगा 4x में भी पोस्टर होता है A4 साइज़ के अंदर, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि उसकी क्या डिमांड है कस्टमर की या क्लाइंट की। क्या लाजिम नहीं है 1080x1080 हो, तो एक बात समझाइए आपको,